हाय गाइस, तो आज की वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा यू नो हाउ टू प्ले हुक। अभी हुक इम्प्लीमेंट करने के ना मेजरली दो तीन तरीके ही होते हैं, तो इस वीडियो में हम दो मेजर स्टाइल्स को एकदम डेमोन्स्ट्रेट करने की ट्राई करेंगे, उसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे ताकि जो भी बिगनर्स हैं उनकी जो टेक्निक है थोड़ी रिफाइन हो। ठीक है, तो एक स्टाइल होता है हुक खेलने का डीप हुक। ठीक है, डीप हुक में ना डीप हुक हो या फिर किसी भी हाई हुक हो, किसी भी स्टाइल का हुक हो, आपको हमेशा ना एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जो ग्रिप है ना वो हमेशा आपको फॉरवर्ड जाके ग्रिप देनी है। मैं हर वीडियो में जब भी चाहता हूँ मेरा हमेशा देखना, मैं ग्रिपिंग हमेशा फॉरवर्ड रखता हूँ। जितना आपका और ओपोनेंट के थंब के इस जॉइंट में गैप रहेगा ना, उतना अच्छा आप उसको टैकल कर पाओगे, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, ये वाली ये फिंगर की जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोनेशन लाइन। ठीक है, अगर आप इस किसी को भी यहाँ पे फिंगर रख लोगे ना, एक बार टॉपर मार देखो, पूरा प्रेशर यहाँ फिंगर्स पे आएगा और आपके फिंगर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो टॉप रोल लगना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपकी फिंगर्स पे। ठीक है, तो पहली चीज ही होगी, तो पहली चीज हो गई, आपको आगे जाके ग्रिप लेनी है जितना ग्रिप ले हो। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अभी जैसे इसने अपना शोल्डर देखो छोड़ रखा है, शोल्डर कनेक्टेड रखना है, हल्का सा ना स्ट्रक कर, हल्का स्ट्रक कर। हाँ ठीक है, वो वाला शोल्डर फॉरवर्ड ले। ठीक है, सेकेंड, अब थर्ड चीज, ये ना इसको साइड प्रेशर कहते हैं, ये वाली मूवमेंट है ना, ये हल्का सा साइड प्रेशर बना के रखना है, हल्का साइड प्रेशर बना के रखना। ठीक है, ये थर्ड चीज। अब इसके बाद कप इनिशिएट करना है। अब अगर आप इस वाली फिंगर से कप इनिशिएट करोगे तो आपका डीप हुक जाएगा, ये हो गया डीप हुक। ठीक है ना, और अगर आप इन वाली फिंगर्स को भी थोड़ा माइन्यूट यूज करते हो तो ये आपका हाई हुक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो वेरिएशन होगी हुक की। अगर आप पिंकी फिंगर को यूज करते हो तो ये डीप हुक हो गया, और डीप हुक में भी आपको फॉरवर्ड जाना है। ठीक है, अगर आप इन दो फिंगर्स को यूज करते हो डोमिनेंट, तो ये आपका हाई हुक होगा, और अगर आप हाई हुक मार रहे हो तो आपको एल्बो के पीछे ड्रैग करनी है। ठीक है, तो डीप हुक को देखते हैं कैसे करना है। डीप हुक गए, फिर एल्बो पीछे ड्रैग। डीप हुक में आपने कप तो कर लिया, सुपिनेट तो कर लिया, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको ना एल्बो को ड्रैग करना है बिल्कुल एज ऑफ द पैड तक। ठीक है, और अपना बॉडी वेट डाल के मूव करना है, तब शोल्डर कनेक्टेड, ये एंगल खुलना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, जितना पाम और शोल्डर में डिस्टेंस कम रहेगा उतना ज्यादा डोमिनेंट रहोगे, एंड ड्रैग, तब ड्रैग, तब ड्रैग। अभी ना ये जो मूवमेंट होती है ना, तब शोल्डर इन्वॉल्व है, पाम इन्वॉल्व है, लैट नहीं छोड़ना, लैट छोड़ दोगे ना, देखो लैट छोड़ के खेलूंगा तो मेरी एल्बो साथ ही नहीं रहेगी, एल्बो ही नहीं मूव होगी, तो हमेशा जो रोइन मारते हैं ना जिम में, तो लैट इंक्लूड होता है, तो लैट इंक्लूड करके ट्रैक। अगर आपको हाई हुक मारना है, हाई हुक एंड जो भी बोल रहा है, इस वाली फिंगर से प्रोनेट, इस वाली फिंगर पिंगी से तो कप होएगा ही, लेकिन ये भी ज़्यादा यूज होगी, तो कप सेकेंड मूवमेंट रहेगी पीछे ट्रैक, पीछे ये मूवमेंट, और जो पिन करोगे तो हल्का प्रोनेट करना है, तो ये रहेगा वन टू